नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कांडी में बीएसएफ जवान को राष्ट्रीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। कांडी थाना क्षेत्र के बलियारी गांव निवासी पूर्व शिक्षक रामनाथ दुबे के पुत्र व बीएसएफ के जवान 52 वर्षीय संजीव कुमार दुबे की मृत्यु 27 सितम्बर को हो गयी। वे पिछले 2 महीना से पीलिया रोग से पीड़ित थे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ मृतक जवान का अंतिम संस्कार सोन नदी के तट पर गुरुवार को किया गया। मृतक के बड़े पुत्र वरुण दुबे ने मुखाग्नि दी। हजारीबाग से आई बीएसएफ जवानों की एक टुकड़ी अंतिम संस्कार में शामिल हुई, जिसने राइफल से 21 फायर कर मृतक जवान को सलामी दी। जवानों ने मृतक के पुत्र को तिरंगा प्रदान किए गए। उक्त तिरंगे में लपेट कर मृतक के शव को अंतिम संस्कार किया गया। उक्त मार्मिक पल के अवसर पर सबों की आंखें नम हो गई। मृत बीएसएफ के जवान संजीव कुमार दुबे आसाम में गुवाहाटी के कूच बिहार में पिछले 3 वर्ष से पोस्टेड थे। वे 1991 में बीएसएफ जवान के रूप में योगदान किए थे। संजीव के पुत्र व एक पुत्री है। अभी तक किसी की शादी नहीं हुई है। मृतक का एक छोटा भाई जो दिल्ली में ही सीए थे, उनकी भी मृत्यु कोरोना काल में मृत्यु हो गई थी। अंतिम संस्कार के समय कई जनप्रतिनिधि सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। कांडे प्रखंड से मनोज राम की रिपोर्ट। बने रहे ग्रीन लाइन न्यूज के साथ।